सोलन में नगर निगम को लेकर खींचादानी चली हुई है। जब से जिला प्रशासन द्वारा वार्डों की घोषणा की गई है, तब से दिलों की धड़कने तेज हो गई है, क्योंकि वार्डों की संख्या बदलने की वजह से उनका राजनीतिक आंकड़ों का समीकरण बदल चुका है। वार्डों में लड़ने के इच्छुक व्यक्ति काफी समय से अपने वार्डों में अपनी हाजिरी लगा रहे थे, मतदाताओं के दिलों को जीतना चाह रहे थे, और अब उन्हें पता चल रहा है कि अब वे इस वार्ड में नहीं लड़ पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस बात से उन्हें मायूसी भी हाथ लगी है। यही वजह है कि कई राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले शीर्ष के खिलाड़ी नए वार्डों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, तो कुछ कर रहे हैं ताकि जो बिसात बिछा रहे थे उस पर असर ना पड़े। नगर परिषद सोलन के पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि उन्हें कई वार्डों के प्रतिनिधि मिले हैं, जिनके द्वारा नए वार्डों के विस्तारीकरण को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इन आपत्तियों को लेकर वे सोलन के उपायुक्त केसी चमन से मिले हैं और उन्हें इन आपत्तियों के बारे में अवगत करवाया है, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया है कि सभी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन कार्यवाही अमल में लाएगा, और अगर कोई त्रुटि वार्डों की डिलिमिटेशन से रह गई है और उसमें रहते हुए दूर किए जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी इस बारे में सोलन वासियों को आश्वासन दे चुके हैं कि सोलन वासियों की सहमति के अनुसार ही नगर निगम की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त महोदय से लगातार नगर निगम को लेकर जो डिमार्केशन परिसीमन हुआ है और जो नए वार्ड बनाएंगे उसके बारे में हम इनसे ऑब्जेक्शन अपने और आपत्तियाँ और सुझाव हमने इनको प्रेषित किए, जिसमें हमारा मानना है कि अगर वार्ड नंबर जो पुराने वार्ड थे उनके नंबर चेंज ना किए जाएं और जो नए वार्ड बने हैं उनको नए नंबर 16-17 दिए जाएं, तो सोलन के जो मैक्सिमम लोगों के एड्रेसेज हैं वो बदलने से बच जाएंगे, एक तो हमारा मानना था। दूसरा ये था कि हमने एक सुझाव और दिया है कि जिस वार्ड की आप परिसीमन कर रहे हैं उस वार्ड की बाउंड्री को पहले एक बार ये देख लिया जाए कि इस बाउंड्री से कट के दूसरे वार्ड में और दूसरे वार्ड से कट के पहले वार्ड में आया, तो इस तरीके की परिसीमन आप उसमें ना लाएं। तो उनका मानना था कि जो आपत्तियाँ और सुझाव जो भी आएंगे उनके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाएगा, और जहाँ तक वार्डों के नंबर बदलने की बात है वो नंबरों को नहीं बदला जाएगा, उनके नंबर नाम के जो पहले नाम है और उसका नंबर है वो वही रखे जाएंगे। तो मेरा मानना है कि सोलन को नगर निगम बनाने में माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, हमारे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी का, हमारे स्थानीय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर राजीव सैजल जी का बड़ा योगदान है, और हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी जो यहाँ से माननीय सांसद भी हैं, उनका बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। और साथ में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आज बयान भी आ गया और कल उन्होंने कहा भी था कि सभी को ध्यान में रखकर इस नगर निगम का जो परिसीमन है उसको बनाया जाएगा, किसी की भी आपत्ति और सुझाव को जो है ध्यान में रखकर, सभी के आपत्ति सुझाव ध्यान में रखकर, और एक अच्छे माहौल में ये नगर निगम बने, ऐसा उनका मानना है। और हमारा भी ये मानना है कि नगर निगम सोलन बनना बहुत जरूरी था, पर सबकी आपत्तियां सुझाव और सबके भावनाओं को ध्यान में रखकर ये नगर निगम बनना चाहिए।